तो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आप सबका स्वागत है एक बिल्कुल नए वीडियो में। ये वीडियो कोई ब्लॉग नहीं होने वाला, ये वीडियो होने वाला एक एनाटॉमी का लेक्चर। जो मैंने सोचा था कि अगर मेरे को एनाटॉमी में लेटर मार्क्स मिल जाए तो मैं कुछ वीडियो शेयर करूँगा आपके साथ। एंड ऑल वेंट गुड, मुझे मिल गए। तो लेट्स स्टार्ट सम वीडियोज़। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा और आप टॉपिक को अच्छे से समझ जाएंगे। तो आप सबका स्वागत है। फर्स्ट ईयर वालों, फोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स स्टार्ट। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द अपर लिम, दैट इज ब्रेकियल प्लेक्सस। बिफोर गोइंग टू द ब्रेकियल प्लेक्सस, लेट अस स्टार्ट व्हाट इज प्लेक्सस। सो प्लेक्सस होता है एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स और वेसल्स इन आवर बॉडी। ये कहाँ से आते हैं? इफ यू नो फ्रॉम द प्रीवियस क्लासेस फ्रॉम 12, वी कैन अंडरस्टैंड दैट द सर्वाइकल हैज C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, and thoracic have T1, and so on to the T12. ठीक है ना? T12 तक है। If we take C5 to T1, हाँ, इसके जो वेंट्रल और आप कह सकते हैं एंटीरियर, एंटीरियर रमाई, एंटीरियर प्राइमरी रमाई, सॉरी प्राइमरी रमाई जो होता है ना, वहां से आते हैं हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस। तो व्हाट इज रमाई? रमाई मींस ब्रांचेस, ब्रांचेस कह सकते हैं। सो ब्रेकियल प्लेक्सस में क्या क्या होता है? एक होता है रूट, उसके बाद आता है ट्रंक, उसके बाद आता है डिवीजन, उसके बाद आता है कॉर्ड, और उसके बाद आता है ब्रांचेस। ठीक है, तो ये सीरीज जो है ना, वो हम कैसे इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं? एक ट्रिक है, उसका नाम है रामू टेलर ड्रिंक्स कोल्ड बियर। कुछ हमारे जैसे लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि भाई बियर कैसे लिखते हैं? अरे ट्रिक है यार, समझ लो। तो ये आपको बीडीसी में भी मिल जाएगा। तो रामू आर से होता है रूट, टी से होता है ट्रंक, डी से डिवीजन, सी से कॉर्ड, बी से ब्रांचेस। हाँ, ऐसे हम इजीली इस सीरीज को रिमेम्बर कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट। ब्रेकियल प्लेक्सस होता क्या है? C5, C6, C7, C8, एंड T1। ठीक है, ये पांच रूट्स हो गए। तो लेट अस ड्रॉ सम लाइंस। ठीक है ना, एंड राइट रूट्स, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड्स। एक C5 से आता है, एक C6 के आता है। C5 और C6 एक साथ होता है, C7 का रूट अलग,
NC8 NT1 करोड़ अलग, ठीक है। देन ये C5 और C6 मिलकर एक अपर ट्रंक बनाता है, ऊपर है ना, इसलिए ट्रंक, अपर ट्रंक, ठीक है। देन C7 किसी से नहीं मिलता, वो अलग चलता है, वो बनाता है मिडिल ट्रंक, ठीक है। और C8 एंड T1 मिलकर बनाता है, क्या बनाएगा? यस यू आर राइट, लोअर ट्रंक, हो गया। सो आई होप कि यहां तक आप समझ गए होंगे। तो नाउ अपर ट्रंक का है ना, अपर ट्रंक का होता है एक एंटेरियर डिवीजन जो आगे होता है, और होता है एक पोस्टेरियर डिवीजन जो पीछे चला जाता है, लाइक दिस। सिमिलरली मिडिल ट्रंक का भी एक होता है एंटीरियर डिवीजन और एक पोस्टीरियर डिवीजन, और लोअर ट्रंक का भी होता है एक एंटीरियर डिवीजन और एक पोस्टीरियर डिवीजन। तो आप पूछोगे कि ये कैसे ड्रॉ कर दिया मैंने। हाँ, जो मिडिल ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन होता है ना, जो मिडिल ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन होता है और जो अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन होता है, वो एक साथ मर्ज करके आगे बढ़ जाते हैं एज द लेटरल पार्ट। हाँ, और जो लोअर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन है ना, वो आगे बढ़ जाता है एज द मीडियल कॉर्ड। और जो पोस्टीरियर डिविजन्स है अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक के, वो एक साथ मर्ज करते हैं, लाइक दिस। देन वो आगे बढ़ जाते हैं एज द पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है। सो नाउ ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड एंड मिडिल कॉर्ड, ये विथ रेस्पेक्ट टू हुम, ये होता है हमारे विथ रेस्पेक्ट टू द एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिलरी आर्टरी। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। From the roots, from the C5, we have a nerve like this. Then, from the roots, C5, C6, let us draw this with another color. C5, C6, and from the C7, we have a long nerve. Let us number this nerve as 1. This is 2. From the trunk, we have two nerves originating. That is, upper se ek and niche se ek. Theek hai, let us this number as 3 and 4. Similarly, there is no branches from the division. Remember that. No branches. Ye MCQ mein bhi aayega ke डिवीजन से कौन कौन से ब्रांचेस आते हैं, वी हैव टू राइट नो ब्रांचेस। देन फ्रॉम द कॉर्ड, कॉर्ड को हम बाद में लेंगे, लेट अस स्टार्ट विद द ब्रांचेस फ्रॉम द रूट्स। सो ब्रांचेस फ्रॉम द रूट्स, ब्रांचेस फ्रॉम द रूट्स, तो हमने नंबर दिया था ना रूट में 1 1, ये होता है हमारे, वो हमारे पीछे चला जाता है, इसलिए नाम देते हैं हम डॉर्सल स्केपुलर नर्व, और
दूसरा होता है हमारा, मैंने क्या कहा, एक लॉन्ग होता है ना, ये होता है हमारा लॉन्ग थोरासिक नर्व, जो थोरेक्स के अंदर से जाता है, थोरासिक नर्व, ठीक है। इसे हम और एक नाम देते हैं, इसे कहते हैं हम नर्व ऑफ बेल, नर्व ऑफ बेल। नाउ आपने तो स्कैपुला जरूर देखा होगा, यह है एक स्कैपुला, ठीक है। हाँ, स्कैपुला, स्कैपुला का ये क्या है, ये होता है मीडियल बॉर्डर, बॉर्डर, और ये होता है लेटरल बॉर्डर, ठीक है, लेटरल बॉर्डर। गेस कीजिए ना, मींस डॉर्सल, ये जो रूट होता है ना, बहुत अंदर होता है, लाइक यहाँ से होगा ना, लाइक ये अगर रूट्स हो गए तो ये ऐसे आएंगे, ठीक है ना, ऐसे आएंगे, तो ये सप्लाई क्या करता है, पीछे की तरफ, मींस यहाँ से पीछे की तरफ, लाइक दैट। तो दिस विल सप्लाई ऑल द मसल्स दैट इज इंसर्टिंग ऑन द मीडियल बॉर्डर, दैट इज इंसर्टिंग ऑन द मीडियल बॉर्डर। क्या क्या है, लिवेटर स्कैपुली, रोम्बॉइडस मेना माइनर, रोम्बॉइडस माइनर एंड रोम्बॉइडस मेजर, ठीक है। तो वी कैन राइट ऑल मसल्स ऑन मीडियल बॉर्डर, ठीक है। सिमिलरली मीडियल बॉर्डर के डॉर्सली सप्लाई करता है, इसलिए डॉर्सल स्कैपुलर नर्व नाम दे दिया। तो अंदर के मसल्स को भी तो एक नर्व सप्लाई चाहिए ना, लाइक अंदर का स्कैपुला कैसे दिखेगा, ऐसे, लाइक दिस, लाइक दिस, ठीक है। तो अंदर की तरफ एक ही मसल्स इंसर्ट होता है, उसका लॉन्ग इंसर्शन है, इसे हम नाम देते हैं सेरेटस एंटीरियर मसल। तो व्हिच मसल इज सप्लाइड, सेरेटस एंटीरियर, और वो कौन कौन से मसल को सप्लाई करते हैं, वो कौन कौन से मसल को सप्लाई करते हैं, लिवेटर स्कैपुली, रोम्बोइडस माइनर, रोम्बोइडस मेजर, तीन मसल्स होंगे, स्कैपुली गलत लिख दिया, स्कैपुली, हाँ ओके, रोम्बोइडस माइनर एंड रोम्बोइडस मेजर। नाउ लेट अस go to the nerve from trunk. Remember that only the upper trunk gives off branches. Which are they? मैंने जो एक तीन नंबर दिया था ना, मीन्स दिस वन एंड फोर नंबर इज दिस, तो थ्री एंड फोर कौन कौन से नर्व है, ये है सुप्रा स्कैपुलर नर्व। ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सुप्रा स्कैपुलर मीन्स स्कैपुला के ऊपर से जाता है, suprascapular nerve which supply two muscles, that is supraspinatus and infraspinatus. So what is the action of the supraspinatus, ye bhi likh lete hain, 0 to 15 degree abduction of shoulder,
जीरो टू 15 डिग्री, दैट मीन्स इनिशिएट कर रहा है एबडक्शन को, मीन द इनिशिएशन प्रोसेस, ठीक है। द नेक्स्ट नर्व होता है हमारा नर्व टू सबक्लेवियस, नर्व टू सबक्लेवियस, नर्व टू सबक्लेवियस, ये सप्लाई करता है हमारा सबक्लेवियस मसल को, वो लिख दिया सबक्लेवियस मसल को, सबक्लेवियस मसल को। रिमेंबर दैट नर्व टू सबक्लेवियस गिवन एक्स्ट्रा रूट, गिवन एक्स्ट्रा रूट फ्रॉम C5 which merges with the phrenic nerve and form accessory phrenic nerve, ठीक है, accessory phrenic nerve, accessory phrenic nerve. Now let comes to the division, that is nerve from the division, division, nerve from the division. So remember that there is no branches, there is no branches from division. There is no branches from the division. Always remember that. So, क्या क्या हो गया? Roots, trunks and divisions. Now let us come to the cord. We have lateral cord. Lateral cord. Let's go and see. तो इसके रूट्स कौन कौन से होंगे? इसके रूट्स होंगे लेटरल कॉर्ड, ये है ना, इसके रूट्स होंगे C5, C6, ये नहीं, ये देखिए C7 का एंटीरियर डिवीजन भी आ रहा है, ठीक है ना, मर्ज हो रहा है, तो क्या होगा C5, C6 एंड C7, ठीक है। और हम इसको ट्रिक से कैसे समझेंगे? ये होगा LML, तो ये होता है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। लेटरल कॉर्ड है ना, इसलिए लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। M से होता है मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व, ठीक है। और लास्ट वाले एल से होता है लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व। सो ये हम तीन नर्व लिख लिए, लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड द लेटरल पेक्टोरल नर्व। नाउ लेट अस सी द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ऑलवेज रिमेंबर दैट इट सप्लाइज BBC muscles. What are the BBC muscles? These are biceps brachii, then B for brachialis, and C for coracobrachialis. ठीक है, remember that it pierces the coracobrachialis, it pierces, ये coracobrachialis को last में supply करके pierce करके बाहर निकल आता है superficially, superficially निकल आता है और ये हो जाता है lateral cutaneous
सुपरफिशियली आ जाता है ना, क्यूटेनियस मीन्स स्किन, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, ठीक है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। नेक्स्ट वी हैव लेटरल पेक्टोरल नर्व। लेटरल पेक्टोरल नर्व जो होता है ना वो एक फेशिया को पियर्स करता है, रिमेंबर दैट, इट विल ऑल्सो कम इन द क्लेबी पेक्टोरल फेशिया। तो एक मैंने बोल ही दिया, तो इट इज क्लेबी पेक्टोरल फेशिया। तो मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व सप्लाई करता है बीबीसी मसल्स, लेटरल पेक्टोरल नर्व क्लेबी पेक्टोरल फेशिया को पियर्स करके बाहर आ जाता है एंड इट सप्लाइज द मसल दैट इज पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस मेजर, राइट। तो हो गया लेटरल कॉर्ड खत्म, आसान है ना, बहुत आसान है। नाउ वी हैव द पोस्टीरियर कॉर्ड, वी हैव द पोस्टीरियर कॉर्ड, लेट अस गो पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड का रूट क्या है, C7 होने था ना, लेकिन ये नहीं होता। पोस्टीरियर कॉर्ड का रूट होता है C5 एंड C6 ओनली। तो पोस्टीरियर कॉर्ड का कॉमन रूट C5 एंड C6, ठीक है। इसे हम याद करते हैं एक निमोनिक से, उसे कहते हैं हम लूनर, लूनर, L से हो जाएगा लोअर स्केपुलर नर्व, यू से हो जाएगा अपर स्केपुलर नर्व, और एन से हो जाएगा नर्व टू लैट्स और लैटिसमस डॉर्साई, और इसे ऑल्सो नोन एज थोरेको डॉर्सल नर्व। देन वी हैव द एक्सिलरी नर्व और वी हैव द रेडियल नर्व। सो लोअर स्केपुलर नर्व का रूट क्या होगा अगर कोई पूछे, तो ये होगा C5 एंड C6, ठीक है, C5 C6। अपर का सेम C5 C6, एक्सिलरी का क्या होगा C5 C6। रिमेंबर दैट देयर आर टू एक्सेप्शंस, रेडियल नर्व जो होता है ना ये ब्रेकियल प्लेक्सस के ऑल रूट से बनते हैं। सिमिलरली नर्व टू लैटिसमस इज फॉर्म बाय अनदर थ्री रूट्स दैट इज C6 C7 एंड C8। ये दो एक्सेप्शन है, रिमेंबर कर लो कि नर्व टू लैटिसमस डॉर्साई और थोराकोडॉर्सल नर्व ये होता है C6 C7 एंड C8। देन रेडियल नर्व होता है ऑल द रूट्स, ठीक है। कौन कौन से मसल को सप्लाई करते हैं, लेट अस सी। लोअर मींस नीचे है ना, स्केपुला के नीचे है, तो यहां पर होगा सब स्केपुलरिस, एक एक्सेप्शन जान लो, मींस एक्सेप्शन नहीं, मींस ये सप्लाई करते हैं टेरिस मेजर को, टेरिस मेजर। देन ये भी करता है सबस्केपुलरिस को, दैट इज अपर स्केपुलर नर्व एंड लोअर स्केपुलर नर्व, बोथ द नर्व्स सप्लाई सबस्केपुलरिस मसल। So from this we can say that the subscapularis muscle has dual supply that makes subscapularis as a hybrid muscle, ठीक है। एक मसल यहाँ पर ही आ गया हाइब्रिड मसल, आपको बहुत सारे मिलेंगे, आपको बहुत सारे मसल्स मिलेंगे जो हाइब्रिड मसल्स होते हैं, दैट इज
पेक्टोरिस मेजर भी होता है एक, भरा मसल है ना, सबस्केपुलरिस तो यह ही मिल गया। और एक्सिलरी नर्व, उससे पहले नर्व टू लेटिसमस डोर्स है, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये लेटिसमस डोर्सी मसल को सप्लाई करेगा। तो नेक्स्ट आता है एक्सिलरी नर्व, ये सप्लाई करता है एक्सिलरी नर्व होता क्या है, मींस ये जो हमारे लगता है ह्यूमरस का हेड हो गया, वो ह्यूमरस के हेड को वाइंड करता है, मींस नेक से जाता है, नेक को वाइंड करके जाता है पीछे से, ठीक है। वो बाद में हम देखेंगे जब हम इंडिविजुअल मसल्स को देखेंगे। दैट इज एक्सिलरी नर्व, इट सप्लाइज टीरीज माइनर, इवेंचुअली इट ऑल्सो सप्लाई द डेल्टॉयड। डेल्टॉयड डेल्टॉयड का फंक्शन यहाँ पर याद सीख लीजिए, दैट 15 टू 90 डिग्री ऑफ एबडक्शन, 0 टू 15 डिग्री कौन कर रहा था, यस सुप्रास्पाइनेटस, ये करेगा 15 टू 90 डिग्री ऑफ एबडक्शन, एबडक्शन ऑफ शोल्डर। रेडियल नर्व के बहुत सारे नर्व सप्लाई मीन्स मसल सप्लाईज है, वो हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। नाउ वी हैव द मीडियल कॉर्ड, इसके रूट्स क्या क्या होंगे, इसके रूट्स होते हैं, देखिए मीडियल कॉर्ड, इसके रूट्स होते हैं C8 and T1, तो C8 and T1 हो गए। तो इसको हम कैसे सीखेंगे, मीडियल कॉर्ड है ना, तो इसको हम कैसे लर्न करेंगे, जो मीडियल कॉर्ड है उसे हम लर्न करेंगे M4U, व्हाट इज दैट, M4 मींस चार बार M होगा, M M M M, मीडियल कॉर्ड में भी होता है ना, तो M M M एंड U, ठीक है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस यू, पहले हम यू को देखते हैं, ये होता है हमारे अल्नर नर्व, और ये होंगे हमारे चार, लेट अस गो बैक एंड सी, वी हैव द लेटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व है ना, यहाँ पर एक होगा मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व, ठीक है। यहाँ पर एक होगा, ऊपर जाइए, यहाँ पर है ना लेटरल पेक्टोरल नर्व, यहाँ पर भी होगा एक, मीडियल से आ रहा है ना, तो मीडियल पेक्टोरल नर्व, और ये जो होता है ना ये क्यूटेनियस सप्लाई होता है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, आर्म के लिए एक मीडियल क्यूटेनियस हो गया, सॉरी यहाँ पर हो गया मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म कौन सा है, हाँ यू आर राइट, दैट इज कोरेको ब्रेकियलिस को सब पियर्स करके जो नर्व निकलता है उसका नर्व मीन्स मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, जो कोरेको ब्रेकियलिस को पियर्स करके बाहर आता है टू बिकम लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, राइट। नाउ हियर वो जो है ना लेटरल पेक्टोरल नर्व, वो क्लेवी पेक्टोरल फेशिया को पियर्स करके पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई करता है। सिमिलरली मीडियल पेक्टोरल नर्व ये पियर्स तो नहीं करेगा, वो किसको पियर्स करके निकलेगा, मसल को ही पियर्स कर देगा और उसको सप्लाई भी करेगा, पेक्टोरलिस माइनर को सप्लाई करेगा एंड पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई करेगा, ठीक है। सिमिलरली द अल्नर नर्व हैज ए रूट वैल्यू ऑफ C8, C7 and T1, ठीक है, एंड ऑल द रूट्स हैव C8 and T1। सो नाउ इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर लीजिए। तो लेट अस रिवाइज दैट द
lateral cord has LML, means lateral root of the median nerve, musculocutaneous nerve, lateral pectoral nerve. Then lunar, posterior cord, that is lower scapular, upper scapular, nerve to lats, axillary nerve, radial nerve. Then medial cord, that is medial root of median nerve, medial pectoral nerve, medial cutaneous nerve of arm, medial cutaneous nerve of forearm and ulnar nerve. ठीक है, ये हमने देख लिया. तो ब्रेकियल प्लेक्सस क्लियर है. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप 2-3 बार देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ये डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने. ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो पर. इंजरी एट द ब्रेकियल प्लेक्सस देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.